बरनाला जिले के गांव कैरे में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा गांव की जमीन पर नाजायज कब्जे करने के विरोध में गांव की कांग्रेस की पंचायत का एक सदस्य पानी की टंकी पर जा चढ़ा। टंकी पर चढ़े पंचायत मेंबर ने चौकी इंचार्ज पखो कैंचिया पर नाजायज कब्जा करने वालों का साथ देने के आरोप लगाए। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए गांव कैरे के पंचायत मेंबर परमजीत सिंह ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति बलराज सिंह द्वारा गली में 26 जून को अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसकी शिकायत पंचायत द्वारा एसडीएम बरनाला को दी गई थी और एसडीएम बरनाला द्वारा अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को 10 दिनों के अंदर कब्जा छोड़ने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उक्त व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि बीती रात कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने कुछ साथियों को लेकर दीवार निकाली जा रही थी, जिसका गांव की पंचायत और अन्य लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस चौकी पखो कैंचिया के इंचार्ज द्वारा अवैध कब्जा रोकने की बजाय कब्जाधारियों की मदद कर उन्हें झूठे केस में फंसाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अवैध कब्जा करने और चौकी इंचार्ज द्वारा बुरा भला कहने की बातें और अपने फोन में रिकॉर्ड की जा रही थी, जिसके बाद चौकी इंचार्ज द्वारा उनका फोन पकड़कर सभी वीडियो डिलीट कर दी गई और उन्हें झूठे केस में फंसाने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में वे गांव में स्थित पानी की टंकी पर चढ़े हैं। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चौकी इंचार्ज को बर्खास्त कर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं परमजीत सिंह कह रहे जिला बरनाला तो जी, पिंड कह रहे तो जी, मौजूदा पंच जी जी। साढ़े जी इतने पिंड एक बलराज सिंह व्यक्ति ने 26 जून में जोड़ा जहाँ गली नजायज़ कब्जा कर लिया। जोड़ा मामला से एस डी एम साहब के सारा ध्यान लिया गया गा भी नजायज़ कब्जा किया होगा। सो एस डी एम साहब ने सारी तफतीश करके जी उन्होंने बनती जी कार्रवाई उन्होंने 10 दिन की मुहलत दी थी भी दीवार को ढा दिता जाए। उन्होंने नहीं ढाया, नजायज़ कब्जा उम्मीद रखा, कुछ रद्दे जोड़े कटे हुए थे। पर राति की होया जी, उन्होंने उदो जी कंध क्ढनी शुरू करती जी, सानू पता लग गया सी, सरपंच साहब ने असी चौकी इंचार्ज नूं कहा, चौकी इंचार्ज ने सानू उन्हां नूं रोकण दी बजाए उत्थे रात नूं नाले तो कंध कढवा दित्ती गई ते मैनूं धमकियां दित्तियां, तेरे ते परचा दे देंगे। मैं वीडियो बनाई, एक मेरा मोबाइल फड़ के नाले तो डिलीट करता जी, सारा डाटा डिलीट करता, कहिंदे तेरे ते परचा देवांगे असीं। कानून की साड़ी ही नहीं, चलो सानू जिहड़ियां धमकियां दित्तियां एक वक्री गल है, जिहड़ा मेरा मोबाइल फड़ के डिलीट करता डाटा एक वक्री गल है। वो कब्जा इहनूं इह नहीं पता हैगा वो बंदे कौन ने, इहनां दी कोई गली दा मसला हैगा, उहदे मसले दे तह दे उपर चढ़े सीगे, जिहदा पुलिस प्रशासन वल्लों इहनां नूं भरोसा दवाया जा रिहा ते गलबात चल रही है, तो जल्दी ही इनू सॉल्व कर दिता जाऊगा। वो भी सुनी जा रही है, वो पुलिस मुलाजम कह रहे हैं भी असं अपने उच्च अधिकारियों इस बारे दसांगे।